जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली है 2018 की वैकेंसी का जो चर्चा चल रही है सबसे ज़्यादा, और मेरे को भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर उन बच्चों को कभी जेल में डाल रहे हैं, कभी बाहर निकाल रहे हैं, फिर अभी जेल में डाल लिया। अभी एक घंटे पहले की अपडेट है कि उनको फिर से जेल में डाल लिया। इस बार उनमें से कुछ बच्चों को डाला है, कुछ को नहीं डाला है, जो ज़्यादा एक्टिव है उनको डाल लिया है। तो कुल मिला के मैं आपको इसकी एक अपडेट से पहले आपको कुछ क्लिप दिखाना चाहता हूँ, वो पहले एक दो क्लिप देख लीजिए, फिर आपको इसके बारे में हम बात करेंगे। थाने में जाने के बाद पुलिस ने बोला कि क्यों आए हो, जो हमारे बारे में इंक्वायरी करा, ये बहुत दिनों से यहाँ लड़के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो SSC बोर्ड वालों को बुलाया और हमको ने कि विचार करा कि किस मामले में आए, क्या है क्या नहीं। तो हम सब ने बताया SSC मेडिकल फिट, जो फिजिकल टेस्ट, रिटेन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ऑल टेस्ट में पास हुआ, हमको क्यों मार गया। तो उन्हें बोला तुम्हारे मांगे क्या है, तो हमने साफ साफ बोल दिया कि सर हमको जय नहीं बोला, तो ऑल मेडिकल फिट का जॉइनिंग नहीं दे सकते। तो हमने बोल दिया सर जी हम हैं उत्तर प्रदेश, तो हमको जॉइनिंग मिल चुकी है, 7 तारीख को हमारा डिसीजन फाइनल हो जाएगा। जय हिंद जय भारत, हम तो बहुत खुश है भाई, चलो राइट। तो जैसा कि दोस्तों आपने देख ली है क्लिप, एक क्लिप में एक बच्चा बोल रहा है कि हमने बोला कि भाई सबको हमको जॉइनिंग दो, तो पुलिस वाले डर गए हैं, उन्होंने बोला कि सबको जॉइनिंग नहीं दे सकते, तो मतलब जो जो धरना कर रहे हैं उनको जॉइनिंग देंगे। अरे बेटा, पहले तो सारा जो आपको ये वीडियो बना रहा है उसको शर्म आनी चाहिए, हैं? उसको तो शर्म है नहीं, वो शर्म बेस का ही है, हैं? शर्म आनी चाहिए उनको, ऊपर से डिफेंस चला रहे हैं। अरे खुद में कोई स्टैंड नहीं है, क्या डिफेंस चलाओगे तुम? ऐसा होता है कहीं? मतलब तुम धरना कर रहे हो, 100 बंदे तुमको ज्वाइनिंग दे देंगे, फिर 54,000 वापस आ जाएंगे धरने पर, उनको नहीं देंगे फिर? क्या बात करते हो, ऐसा होता कभी? धरने से ज्वाइनिंग मिलती है सच में? सच्ची में मेरे भी ये 2 भाई SSGD में रह गए हैं, दे लेंगे वो भी 1 महीना धरना, मिल जाएगी ज्वाइनिंग कुछ भी। एक क्लिप और देखिए, देख लिए भी बोलो, धमका रहे सरकार को, आतंकवादी बन जाएंगे हम। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत उच्च विचार आप, आतंकवादी बन जाएंगे अगर हमको सरकार ने वर्दी नहीं दी। बहुत बढ़िया, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो ना तुम, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तुम, देश सेवा वाले हो तुम, है ना, देशभक्त, यही तो होती है देशभक्ति। बहुत बढ़िया देशभक्ति है तुम्हें तो, बहुत गजब की। कमेंट बॉक्स में जितने भी उनके इन बच्चों के लिए ताली एक बार जरूर बजाना, जो ये बोल रहे हैं कि अगर हमको वर्दी नहीं मिली तो हम आतंकवादी बन जाएंगे, इसके लिए एक बार जरूर ताली बजाना, बिल्कुल अच्छे से बजाना। कमेंट बॉक्स में काफ़ी तालियों वाली गड़गड़ाहट आनी चाहिए इनके लिए। देशभक्त और बोलते अपने आप को, हमको देशभक्ति दिखानी, इसको बोलते देशभक्ति है, इसको बोलते देशभक्ति कि अगर हमको वर्दी नहीं मिली तो आतंकवादी बन जाएंगे, हैं? शर्म आनी चाहिए तुमको ये वर्ड यूज़ करते हुए भी। जो तैयारी करने वाला बच्चा हो गया ऐसा बोल रहा है, उसकी ऐसी जबान, शर्म नहीं आती तुमको? कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तुम? आतंकवादी बन जाएंगे, पता नहीं आतंकवादी किसको बोलते हैं? जो देशभक्त होता है ना, वो देशभक्त होता है चाहे किसी भी कंडीशन में, ठीक है, जिसके देश, जिसको चाहे देश का, देश से प्रेम होता है, चाहे कुछ भी हो जाए उसके साथ, कितना भी गलत हो जाए, कितना भी सही हो जाए, पहली बात तो तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं हुआ है इस बात को मीडिया में। और जब कंट्री, जब मीडिया में तुमसे पूछा जाता है ना, तब ये एक बात नहीं बोलते हो तुम, मैं तुमको चलो क्लियर करता हूँ इस वीडियो में, अच्छे से देख लेना एंड तक। मैं पहले दिन जो वीडियो बोला था ना, आज भी मैं बोल रहा हूँ, तुम अपना समय ख़राब करो, तुम्हारा बहुत गलत हो जाएंगे, जो तुम्हारे लीडर थे ना वो भी पीछे हट गए, अगर इसमें फ़ायदा होता ना तुम्हारा, वो पीछे नहीं हटते, ठीक है, वो बहुत समझदार है, बहुत बुद्धि वाले हैं वो, उनको तुम्हारे से इतना फ़ायदा लेना था, ले लुआ के गए वो, और अब उनको पता है कि ये फालतू की बात है, ऐसा होना नहीं है कभी। जो चीज़ होनी होती है ना उसके लिए लोग इकट्ठे होते हैं, जो नहीं होनी होती है ना उसके लिए नहीं। 54,000 टोटल अनफिट है ना, आप यहाँ पे 200 के आसपास, 183 की वो लिस्ट दिखा रहा था बच्चा, यानी 0.8%। 54,000 को ज्वाइनिंग चाहिए और ज्वाइनिंग लेने कितने आए हैं? 0.8%, हैं? और वो धमकी दे रहे हैं कि हम आतंकवादी बन जाएंगे। चलो मैं क्लियर करता हूँ आपके पॉइंट, अच्छे से देखना वीडियो, ठीक है, पहली बात तो ये। फिर एक चीज़ और बोल रहे हैं कि हम वोट उसी को देंगे जो हमको ज्वाइनिंग देंगे, सही, ये बात मुझे सही लगी, मैं भी उसी को दूंगा जो मेरे को इंस्पेक्टर बना देगा, ये बात आपकी और मेरी सही है इसमें। तो मैं खुद भी ये चाहता हूँ कोई मुझे DSP बना दे, मैं उसको 5 साल तक वोट दूंगा, इंस्पेक्टर बना देगा उसको 2 साल तक दूंगा,
बना दे कोई सरकार अगर मेरे को बनाना चाहिए, मेरे साथ मेरे परिवार के भी 10 वोट है वो भी दिलाऊंगा लिख के, मेरे को कोई DSP बना दे कुछ भी, बिल्कुल मतलब मज़े लूटने में आ गए हो तुम तो हैं। अब बात करते हैं, चलो एक तो अच्छे से पहले सुन लीजिए इस बात को, और फिर जब अगली बार इंटरव्यू दो ना मीडिया में किसी के सामने, तो ये बात जरूर बोलना था कि वो मीडिया कर्मचारी भी एक बार सोचे, उनको क्या पता नहीं है इसके इतने बारे में, क्योंकि उनका ये काम नहीं है, वो तो बस हर एक बात को उनको बस चैनल को चलाना रहता है, उनको TRP चाहिए, उनको बस व्यू चाहिए, तो वो तो आपसे ज़रूर पूछने आएंगे, जहीं उनको भीड़ दिखेगी वो तो आ जाएंगे माइक उठा के, उनका ये काम है ठीक है उनका, और उनको वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, उनका काम है आपकी आवाज़ उठाना वो उठाएंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा बोलिए, पहले इस वैकेंसी में आपको बता दूँ 4 पड़ाव होते हैं, कौन सा, पेपर, फिजिकल, मेडिकल, मेरिट। इस पड़ाव को आप बार बार भूल जाते हो, हैं भूलना नहीं है इसको, याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट वाला यही है। कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट वाला, मेरिट, यहीं पे तेल निकलता सबका। तो आप कितने पड़ाव पास हुए बेटा, पेपर पास हुए आप, मेडिकल पास हुए बेटा, फिजिकल पास हुए, रह किस में गए, मेरिट में, ये एक पड़ाव है इस पर क्रिया, ये इसमें भी आप पास होते तो आपको ज्वाइनिंग मिलती। आप ये मत बोलिए कि हमने इसके सारे चरण पास किए फिर भी हमको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, नहीं, आप 3 ही चरण पास किए, चौथे में फेल हो गए हो बेटा, समझे। 10th क्लास के एग्ज़ाम देने जाओगे, 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में 5 पास कर लिए, एक रह गए तो 11th क्लास में एडमिशन नहीं मिलता है, इसको पास करना पड़ता है, तो आप फाइनल मेट में रह गए हो। और ये मेट कोई नया रूल ला के आप पे लागू नहीं हुआ है कि जो आपका हक मार लिया गया कि आप पे लागू हुआ, इससे पहले ऐसा हुआ ही नहीं है कभी, ये प्रक्रिया है, इससे पहले भी ऐसे चलती आई है और आगे भी ऐसे चलेगी, मेरिट में हर बार छटेंगे, इस बार नहीं हर बार छटेंगे, इसीलिए तो मेरिट बोलते हैं, इसीलिए तो फाइनल मेरिट बोलते हैं इसको। फाइनल मेरिट का मतलब क्या हुआ, आप जब अगली बार बोलो कोई भी बच्चा तो ये बोलना कि हम 3 में तो पास हो गए लेकिन फाइनल मेरिट में हम रह गए, अब हमको ज्वाइनिंग नहीं दे रही, तो मीडिया कर्मचारी भी आपको बोल देंगे जब फाइनल मेरिट में रह गए तो फिर आपको ज्वाइनिंग क्यों देंगे। अब बात और, ये बोल रहे हो कि देश में भी 111,000 सीटें खाली है डिफेंस में, बिल्कुल सही बात आपकी, तो कहा हम तो 54,000 है, तो 54,000 को तो ले रहे हैं, 54,000 हमको ले लो, अरे वाह क्या कमाल की बात करते हो आप। फिर जो बाकी जो बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम कैसे कराएंगे, फिर उनके लिए भर्ती नहीं कराएंगे, यानी जिन बच्चों ने आपको तो पेपर देने का मौका मिला था, जिन बच्चों को पेपर देने का मौका भी नहीं मिला था उनका क्या, वो कहाँ धरना करेंगे फिर, उनकी ज़्यादा संख्या है आपकी, बताइए मुझे एक बार अच्छे से सोच के इस बात पे सोचिए कि जिस समय आपने फॉर्म भरे थे, जिस समय अगर कोई बच्चा 17 साल 11 महीने का था वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया, आज 4 साल बाद में वैकेंसी आई वो बच्चा हो गया 21 साल का, अगर 54,000 सीटें आपसे बढ़ ली जाएगी तो मतलब आने वाले 2 साल पे वैकेंसी नहीं निकाल पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर वो बच्चा तो ओवरेज हो जाएगा, उसका क्या, वो तो फॉर्म ही नहीं भर पाएगा SHD का, उसको तो मौका ही नहीं मिलेगा, वो किस सरकार से जवाब मांगेगा हैं, उसको जॉब नहीं चाहिए, उसने मेहनत नहीं की है 10th क्लास में, उसने पास नहीं किए, उसने क्राइटेरिया पास नहीं किए, उसको तो मौका ही नहीं मिला। मुझे एक बात बता दो, जो मौका मिला उसको मानते हो, जिसको मौका ही नहीं मिला उसके आप सपोर्ट, तो उनके लिए वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी का रूल्स होता है, कितनी वैकेंसियाँ खाली है ये मायने कहीं नहीं रखती है, मायने ये रखती है कि आपको जितने पोस्ट के लिए वैकेंसी दी गई उतनी पोस्ट की वैकेंसी फिलअप की जाती है, ये नहीं जब वैकेंसी शुरू होती है ना, अभी प्रेजेंट टाइम में जब SHD की वैकेंसी शुरू होगी तो इसकी एक पोस्ट लिमिट आएगी, ठीक है, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि घटाया बढ़ाया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, तब तो मान ले आपका हक मारा गया, लेकिन घटाया नहीं गया, बढ़ाई गई वैकेंसी को, और जो आप 5809 पोस्ट के उसकी वेटिंग लिस्ट या कुछ ना कुछ उसका संशोधन हो गया जरूर आएगा, नई वैकेंसी में ऐड नहीं किया अभी तक, आप सभी को पता उसके बारे में, तो उसका कुछ ना कुछ आएगा, तो आपका कहीं हक नहीं मारा गया है, कहीं आपकी 54,000 की वैकेंसी को 25,000 करके और 25,000 को ज्वाइनिंग नहीं दिए, 54,000 के समथिंग की वैकेंसी थी, 54,000 को ज्वाइनिंग करा दी गई, उसके बाद में वैकेंसी बढ़ाई गई थी 58,000 की, मतलब 58 एक्स आर्मी मैन के जो पोस्ट हैं उनको फिलअप नहीं किया गया, तो वो एक छोटी सी बात उसको बोल सकते हो आप, लेकिन आपका कहीं हक नहीं मारा गया। हक मारना किसको बोलते हैं मैं बताऊँ, 54,000 की वैकेंसी निकाल के 30,000 को ज्वाइनिंग देना, ये हो गया 24,000 का हक मारना, ना कि 1,09,000 का हक मारना, केवल 24,000 बच्चों का हक मारना, ये होता है। और एक बात और, अगर 54,000 का हक मारा जाता ना, यहाँ 54,000 दिल्ली जंतर मंतर में आपके साथ होते हैं, उनको पता हक नहीं मारा गया, वो एक प्रक्रिया के अनुसार वो रह गए, उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है। अब एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ, आप जो बोल रहे हो ना कि हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, आप चाहे 50 साल से मेहनत करते हो, आप में काबिलियत नहीं है तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे बेटा, आपकी स्थिति वहाँ पर नहीं देखी जाती, आप गरीब हो पुअर हो आप क्या हो वो नहीं देखा जाता, वहाँ पर देखा जाता परिणाम, आपका परिणाम कैसा है,
स्थिति से नहीं, मैं गरीब घर से हूँ, मैं अभी इंडियन आयल में चला जाऊँ, मेरे को, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत लाचार हूँ, मेरे को गाना गाने के लिए रख लो। अरे भाई पहले गा के तो बता, जो साथ वाले गा रहे हैं उनसे बढ़िया गा के बता, तू फर्स्ट आ जाएगा। आता कुछ है नहीं, मैं बोलूँगा मेरे को गा के रख। अब बोलेंगे कुछ बच्चे बोलेंगे हमको तो आता इसलिए पास किए, बिल्कुल आपको आता पास किए, लेकिन आपको उतना नहीं आता जितने जिन लोगों ने पास किया है। अब नॉर्मलाइजेशन पे क्वेश्चन उठते हैं कि सर जिनके कम नंबर थे उनका नंबर आ गया, नॉर्मलाइजेशन से हमारा नहीं आया, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है। उसका क्या लॉजिक है पता आपको? बहुत ही आपका नंबर इसलिए नहीं आया है, उनका नंबर इसलिए नहीं आ गया कि उनके वो फ्री फंड में उनके रिश्तेदार नहीं है वो, कि जिनका नंबर बढ़ा दिया गया। उनका पेपर टफ हुआ था, ठीक है, वहाँ पे मापदंड देखा जाता है कि ये पेपर किस हिसाब का बना है, ये पेपर किस हिसाब का बना है, अलग अलग शिफ्ट में पेपर चलते हैं, तो उनका मापदंड निकाला जाता है कि सबसे कम स्कोर वाला पेपर कौन सा हुआ है, कि इस पेपर में सभी बच्चों के 70 के आसपास ही नंबर आए, यानी इसका मतलब है कि ये काफ़ी टफ रहा है, और कहा इस पेपर में सभी बच्चों के 90 के 80 के इतने मतलब परसेंटेज बच्चों के इतने नंबर आए, तो ये मतलब ईजी पेपर रहा है। तो फिर जो टफ पेपर रहता है ना उसमें नॉर्मलाइजेशन करके नंबर प्लस किए जाते हैं, वो एक प्रक्रिया है, कमेटी बैठती है, ऐसे ही अपने किसी के रिश्तेदार के नंबर नहीं बढ़ाते वो, कि मेरे रिश्तेदार इस वाले बढ़ा दो, इस शिफ्ट में मेरा रिश्तेदार बढ़ा दो, ऐसे नहीं होता है, वो एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, और एक लीगल प्रक्रिया ना कि इलीगल, उस पर आप क्वेश्चन नहीं खड़े नहीं कर सकते। जिनका टफ पेपर हुआ था उनके आपसे नंबर कम थे, इसीलिए उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर प्लस हुए हैं, ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर ईजी था इसलिए आपके नंबर ज़्यादा थे, तो इस पर क्वेश्चन मत उठाओ, ठीक है। और अभी आपको एक एक बच्चे को जेल में डाल रहे हैं ना, ऐसा करेंगे कि लास्ट में क्या होगा मैं आपको आज बता देता हूँ, आपको जो कल होगा ना मैं आज बता देता हूँ, आप ऐसे अड़े रहोगे ना, आपको है ना 200 बच्चों ना 10-10 अलग अलग थाने में डाल देंगे आपको, फिर घर वाले आएंगे तो जमानतें कराने, लिख के ले लेना मेरे से, और फिर तुम बना लेना अपना कैरियर, ठीक है। ऐसे अगर प्रशासन से अगर लड़ लोगे ना तो हर कोई लड़ लेगा, मैं भी लड़ दूंगा, मैं भी 50 आदमी को इकट्ठे करके आ जाऊँगा कि मेरी ये मांग है पूरी करो, नहीं तो हम लड़ेंगे, तो क्या करेंगे फिर पता है ना आपको। तो अब दो वो 10-10 करके आपको ऐसी जगह डाल देंगे थाने में, पता एक दूसरे से कनेक्ट भी नहीं करने देंगे मोबाइल वोबाइल जमा करके, क्योंकि इलीगल मांगे नहीं मांगी जाती, इसीलिए मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, मेरी बात मान लीजिए, तैयारी करिए अगले एग्ज़ाम की दोस्त, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए, इसमें आपका भला है, ठीक है। और सही बात बोलता हूँ मैं हमेशा, मुझे नहीं चाहिए लाइक डिसलाइक, कुछ भी करो जो तुम्हारा दिल करे, लेकिन वास्तविक बात है। जय हिंद, जय भारत।